जेकरा पाले माल बा रे बउआ अच्छा रउआ के वोट देले रहनी जेकरा लगे माल बा ओकर गोटी लाल बा विद्या बुद्धि बिना बड़ाई ना कोनो काम में आई साई धर्म तखा पर रख देन त खोर खोर के खाई तो अब अभी त रउए लोगन खोरा तानी देखि ए अनहरु तारा लौकत नहीं के का दुनिया के हाल बा जेकरा पाले माल बा ओकर गोटी लाल बा कौन नहीं दिखाया गया तो उनको लाया गया पंचायत सरकार भवन से इस रोड से इधर से गली में ले गया गया डीएम साहब को सुब्रत कुमार सेन थे डीएम आ उधर से निकाल करके आ फिर उधर से सुख लाई इधर मैं लेके चला गया मतलब जितना दूर रास्ता खराब था उसको बचा दिया गया आ जहाँ गांव के चारों तरफ से रास्ता बढ़िया है डीएम साहब को भाई घुमा दो डीएम साहब ना देखेंगे ना कुछ करेंगे। वहाँ से हम लोग शूट करके आ रहे थे आ रोड का मनमोहक दृश्य देख रहे थे। रोड टूटा भी है अब बड़ा अच्छा सुगंध भी दे रहा है। आप दूर तक देखिए एकदम दिखाइए तो तनी देखिए कितना बढ़िया। लगभग 30 साल से ऐसे ही है। इधर आके दिखाइए हम आपको दिखा दे रहे हैं। पीछे का भी आपको 2 किलोमीटर तक का दिखाए हैं और आगे 3 किलोमीटर अभी ऐसे ही मिलेगा आपको। ये गांव जो है ये सड़क जो है इस गांव को इस पंचायत को मेन सड़क से जोड़ती है। ये ले जाके आपको गणखा में मिलाएगी और मेन सड़क का स्थिति ये है कि यहाँ गाड़ी तो जाना दूर पैदल चढ़ना भी दुर्लभ है। आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है और इसके पीछे किन महाशयों का हाथ है। ये गाँव के कुछ बुजुर्ग और चाचा लोग मौजूद हैं ये आपको बढ़िया से बता देंगे कि इसका स्थिति के जिम्मेवार हैं के भाई। चाचा तनी बताइए तो कब से ये स्थिति बा। देश तो आज़ाद 1947 में ये हो गया तब से कच्ची ही था। बारिश होने पर बारात के गाड़ी लोगों के आना जाना कोई भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब तो यहाँ सावन होके भादो होके जेठ होके कोई भी महीना होके उससे भी बदतर हो गया। आज़ादी के बाद कितने सरकारें बदल गई कितने विधायक बदल गए मुखिया भी बदल जाते हैं लेकिन स्थिति वही है आज यूँ कहते हो। तो अभी तो 15 साल से एक ही को मुखिया है ना। 15 साल से है बीच में एक और भी मुखिया हुआ था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन साल में एक बार परिवर्तन हुआ तो भी कुछ नहीं। और हम यही कहेंगे कि सरकार जो है ब्लॉक का मिली भगत बंद करे। जब तक ब्लॉक शुद्ध नहीं होगा कहीं भी स्थिति ठीक नहीं होगी पंचायत की। अच्छा आप बताइए ये सड़क आज़ादी के बाद से बहुत खराब स्थिति में था। बीच में एक बार थोड़ा मोड़ा सोलिंग ना कोई ढंग का काम मिट्टी उट्टी भराया नहीं गड्ढा जहाँ के तहाँ जैसे ही रह गया। उसके बाद फिर बारिश का पानी जमने लगा नाला का पानी जमता है अभी भी देख सकते हैं। अभी नाला टूटी फूटी स्थिति में था पिछले बार बना तो कुछ पानी कम है लेकिन खराब स्थिति है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ विधायक सांसद मुखिया प्रतिनिधि अभी तक किसी का नज़र नहीं पड़ा है इस पर। आप लोगों से अपेक्षा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार पदाधिकारियों तक हम लोगों की बात पहुंचाइए ताकि ये 1999 से अच्छा उन्हें थोड़े से सोलिंगो नहीं खे हो जा माटी है भागवा तो खाली माटी है बैठे तने को लोगों के दिक्कत ना होला का है दिक्कत बात अब कोई बनावे तब ना मन रुवा लो आवाज ना उठावे नहीं मुखिया के ना धरे नहीं मुखिया सुने ली अच्छा तो मुखिया जब रोड बन आते के जीते आला जेकरा पाले नोट बा ओकरा पाले सब कुछ बाटे जेकरा पाले माल बा रे बउआ अच्छा रउआ के वोट देले रहनी जेकरा लगे माल बा ओकर गोटी लाल बा विद्या बुद्धि बिना बड़ाई ना कोनो काम में आई साई धर्म तखा पर रख देन त खोर खोर के खाई तो अब अभी तो रुए लोगन खोरा तानी देखिए ए अनहरु तारा लौकत नहीं के का दुनिया के हाल बा जेकरा पाले माल बा ओकर गोटी लाल बा तो माने कैसे लाल बा अरे लूट पाट देखते बड़ो अच्छा मान ली के अगर रोड से तो है हो तो हो मान ली के अगर रोड से लोग के दिक्कत होए तो अगला चुनाव में लोग हरवा दीत पिछला चुनाव में हरवा दीत अरे दो आदमी के होबे करी कि ना दी वोट और गंगा बाकी वोट लगा के लोग बाकी लोग यहां तो है निमकी या चिंकी पर भी का जाता कनुआ वो लोग पहले ही वोट देवेला अच्छा 500 रुपए आए मोबाइल थमा दी ना वो एगो भरा भाग के लोग भरा भाग के हाँ कैसे कैसे चाचा ना करे चुनाव में जब चुनाव आई तो रात खानी 500 रुपया दिया जाए या वो लोग वोट दे दी
अच्छा खाली 500 रुपए और बस और कौन चीज ओकरा बाद दारू निमकी या चिमकी ये रोड 1999 से बहुत दयनीय स्थिति में हो गए। कच्ची रहे तो उतना दयनीय स्थिति ना रहे, आदमी चलत रहे बनिया से। दारू बंद बा, फिर भी दारू पूरा गांव भर पूरा गांव गांव मिला था, घर घर मिला था, मिला था और का पूरा हमारे बलुटला पंचायत में तो पूरा पंचायत तो 10 गो गाड़ी पकड़वा दी। हर घर में दारू बिक रहा है, हर घर में बलुटला पंचायत अपना के जिम्मेवार तो मुखिए नु बा। आज काल के मुखिया मुखिया जिम्मेवार बा, मुखिया जिम्मेवार बा। अभी आप लोग लिखित में दिए हैं मुखिया जी को लिखित में कि हाँ हमारा गांव का हेजा से लेके हेजा ले रोड खराब बा? लिखित में तो अभी तक नहीं दिया गया। मुखिया जी यही रास्ता से चले रोज निकल जाना चार चक्का इसी रास्ते से। सीओ डीएम सब काम होता है तो आते ही है। डीएम भी आए थे वहाँ, पानी लगा हुआ था, डीएम को रास्ता नहीं दिखाया गया तो उनको लाया गया पंचायत सरकार भवन से इस रोड से, इधर से गली महल ले गया गया डीएम साहब को। सुब्रत कुमार सेन थे डीएम, और उधर से निकाल करके आ फिर उधर से सुखलाई इधर महल लेके चला गया लोग। मतलब जितना दूर रास्ता खराब था उसको बचा दिया गया, और जहाँ गाँव के चारों तरफ से रास्ता बढ़िया है डीएम साहब को भाई घुमा दो, डीएम साहब न देखेंगे न कुछ करेंगे। तो यहाँ ये है कि पहले लोगों को बोका बना दो, तब अधिकारियों को बोका बना दो, अपने भैया सेफ रहो, अपने बने रहो एकदम मस्त। सुब्रत कुमार से लोगों को आश्वासन दे दो, लोगों को आश्वासन दे दो कि अब की बन जाएगा, अब की चुनाव में जिताइए, अब की हम रोडवा बनवा देंगे। लोग तो भाई है मासूम सोच के कि हाँ अब की रोडवा बन जाएगा, रोडवा बन नहीं रहा है। फार्म भराता वही है, खूब भराता धक्का धक, जितना जेकरा बार लगता उतना भर गया, 200-400-500 लुटाता सब लोग भरावता मुखिया वार्ड। अच्छा वार्ड के द्वारा जानकारी के लिए हम आपको बता दें, इंदिरा आवास में ना मुखिया का कोई रोल होता है और ना वार्ड का कोई रोल होता है, लेकिन गांव का लोग जिनको ये नहीं पता है वो मुखिया के पीछे दौड़ते हैं कि मुखिया जी हमारा पास करवा दीजिए। पास कराने में मुखिया का कोई रोल नहीं होता है, वो ब्लॉक में जो राशन कार्ड वाला डिपार्टमेंट होता है नू, वहाँ राशन कार्ड जमा होता है और वहाँ से चुन के जाता है, डायरेक्ट छपरा चल जाता है। लिस्ट जब शॉर्ट लिस्ट होके आता है तो वो छपरा आता है। छपरा के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उससे मुखिया जी का होता है सेटिंग, वो लिस्ट निकलवा लेते हैं। 100 आदमी का नाम आया है, 500 आदमी का गांव में फार्म भर दिए, 100 आदमी का घर बन गया, 400 आदमी का पैसा बगली में आ गया। ये होता है कमाने का तरीका, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। हमारे युवा साथी भी हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, उन्हें सूचना के अधिकार के तहत अपने अधिकार को जानना पड़ेगा कि उनके पंचायत को तो जिम्मा नहीं लेंगे, कहे कि पढ़ने लिखने वाले सारे लोग हैं, तो कम से कम अपना वार्ड का, अपने घर के अगल बगल के रास्तों का जानकारी तो रखें। आप कभी RTI करके पूछे हैं कि रोडो पर कितना पैसा उठा है, काहे नहीं बना है? हो सकता है कि पैसा उठ गया और रोडो ना बना हो। नहीं, ये तो नहीं पूछे हैं कभी। हम लोग देखें कि आपके गांव में 3 पोखरा है और पोखरा पे 10-12 लाख रुपया उठ गया है, और पोखरा पे काम के नाम पे सिर्फ 1 पोखरा में काम हुआ है, 2 अभी यहीं सोट रहा है, समझिए बात को।